जयपुर शहर में पिछले 12 वर्षों से संचालित अनाथ निर्धन बच्चों की निशुल्क शिक्षार्थ संकल्पित संस्था सत्यचित पुष्पानंद सामाजिक विकास संस्था व मानव मिलन के संयुक्त तत्वावधान में नारी सम्मान कंबल वितरण मिशन के तहत सैकड़ों महिलाओं को ऊनी कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर आध्यात्मिक गुरु श्रद्धेय खगोल कृष्ण महाराज ने संस्था द्वारा किए जा रहे नारी सम्मान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे भारतीय संस्कृति में नारी सम्मान को देव सम्मान माना है। इसी भाव मिशन के तहत सत्यचित पुष्पानंद सामाजिक विकास संस्था की यह सार्थक पहल हमने निश्चित किया है। यहाँ संभव सैकड़ों जरूरतमंद महिलाओं को ओढ़ने योग्य ऊनी कम्बल प्रदान किए गए। इसी श्रृंखला के तहत मानव मिलन संस्था ने हमारी इस पहल का स्वागत करते हुए नारी सम्मान में एक कदम आगे आकर मिशन की शुरुआत में सैकड़ों जरूरतमंद महिलाओं को ऊनी कंबल प्रदान किए गए। संस्था की सचिव रीता प्रधान ने बताया कि संस्था के आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जनवरी माह में शहर के संस्था द्वारा चयनित स्थानों पर कंबल वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर मानव मिलन संस्था के संस्थापक समाज सेवी प्रमोद चौड़िया ने इस पहल की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए शहर की सामाजिक संस्थाओं को आगे आकर इस मिशन में सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर सत्यचित पुष्पानंद सामाजिक विकास संस्था की सचिव रीता पाठक ने कहा कि हमारी संस्था पिछले 12 वर्षों से जयपुर शहर में रचनात्मक कार्यों को कर रही है। इसी कड़ी में जरूरतमंदों को शीत के प्रकोप से बचाने हेतु ये पहल कर रही है। इसी क्रम में हमारी संस्था आगामी माह जनवरी में शहर के अन्य समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर जगह जगह जरूरतमंदों की मदद को कंबल वितरण के कार्यक्रम आयोजित करेगी। स्वयं जा करके रेलवे स्टेशनों पर जो बेघर है आज भी हमारे देश में, उनको मकान नहीं मिला है, उनके पास मकान नहीं है। तो ऐसी सेवा करने में हम विश्वास करते हैं। ऐसी मानव मिलन संस्थान का भी उद्देश्य है। मानव मिलन संस्थान का भी उद्देश्य कोई राजनीतिक और कोई स्वार्थ नहीं है, कोई वोट का सौदा नहीं है, केवल एक बात का है कि सबका मालिक एक है जिसने हमें बनाया, मानव मात्र बनाया। और जीव जीव तो पक्षी भी होता है, पशु भी होता है, उसकी देखभाल करें। आज हमारे भारतीय संस्कृति में पहले कोई भी पक्षी घर में अचानक से उड़ जाता था तो पहले पंखे बंद कर देते थे, उनके लिए दाना चुगाने के लिए छत पर छोड़ देते थे, बेटा जाओ छत पर जरा ये पक्षी बैठे। आज पंखा चल रहा है तो चलने दो, पक्षी मर गया तो मर जाने दो। ऐसे लोगों को हम कहना चाहते हैं कि जीव की रक्षा करो। हमारे महावीर जी ने हमसे एक बात कही थी कि जियो और जीने दो। और आज आप जो मास्क पहन रहे हो ना, ये हमारे जैन तीर्थंकरों ने इतना कहा, हमारे जैन मुनियों ने जब हम वो लगा के देखते थे तो हम ये सोचते थे कि ये क्यों लगा रहे। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था कि हम जब सांस लेते हैं तो कोई जीवाणु हमारे द्वारा न मर जाए। एक ऐसी सूक्ष्म जो कि हम उसको देख नहीं सकते, उसके लिए भी चिंता की कीर्तनकरों ने। और आज हम पशु पक्षियों की भी नजरअंदाजी करते हैं, ऐसा संदेश हमारे महावीर जी ने और अन्य तीर्थंकरों ने दिया। और आप देखें आज वही मास्क हमको लगाना पड़ रहा है। पहले हम केवल मंच पर कोई तीर्थंकर महामुनि, क्योंकि मैं तो हैदराबाद 3 साल रहा हूँ, वहां के जैन कॉन्फ्रेंस के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज अब उनका देहावसान हुआ 25 साल। अरे इतना बड़ा आदमी, भाई प्रमोद जी से कहना चाहता हूँ, मानव मिलन संस्थान के मुझे 3 साल उनके साथ रहने का मौका मिला, क्योंकि वहां आपके जैन समाज गई जो कि आंध्र प्रदेश का एक बहुत बड़ा अखबार, उसमें मैं संपादक था। और वहां पहली बार जब हस्तिमल जैन से मिला तो एक सिकंदराबाद के जैन स्थानक, कोई तो अपनी करोड़ों की कोठी बनाता है, उन्होंने स्थानक में ही करोड़ों रुपए लगा करके और जैन समाज को समर्पित कर दिया। लोग खड़े होते हैं क्योंकि उस 2003 में मुझसे कहा था कि बेटे एक जैन समाज का चैनल स्टार्ट करते हैं, लेकिन छोटी बुद्धि थी, बच्चा बुद्धि थी, मैं उस बात को समझ नहीं पाया। उनका करोड़ों का व्यापार यहाँ दिल्ली में, आज भी जमीनें पड़ी उनको देखने वाला कोई नहीं, उनके लड़के लंच क्लब हैदराबाद के अंदर, और उनको देखते ना तो आपको लगता ये कोई चपरासी टाइप का आदमी, कोई लेबर है। एक मारवाड़ी टोपी और सामान्य से कपड़े, करोड़ों अरबपति जिसके 4-4 शोरूम हीरे जवाहरात के हैदराबाद में, और उसने करोड़ों रुपए के स्थानक हैदराबाद में दे दिए। ऐसे थे सामान्य मित्र होते, लेकिन उनकी वेशभूषा देख करके आप ये कहते अरे ये कहां अरबपति होगा, पूरा जीवन समाज में लगा दिया। आज पूरे भारत में अगर कोई जैन समाज में कार्य करने वाला हो तो हस्तिमल जैन जी को जरूर जानता होगा।
आज इस मौके पे मैं उनको याद कर रहा हूँ। 17 साल पुरानी घटना है जब वो मुझे ले जाते थे और आसपास के हैदराबाद के जिलों में तो जैन समाज को देखता था तो मैं मन ही मन सोचता था, बोले हमारे भारत में ये भी समाज एक अनुशासन था। हजारों लोग बैठे, कोई पता ही नहीं पड़ा यहाँ कोई अमीर है या गरीब है, और कोई पढ़ा है कोई ज्यादा, अपने आप में मत रहने वाला ऐसा आदमी नजर नहीं आता था। हजारों लोग बैठते थे बारे ऐसे जैन समाज के लिए, मैं भी जब तारीफ करता हूँ तो छक्कर लगता है। इसलिए जोरदार तालियां बजाइए और आज हमारे देश में आप प्रशंसा करें। मैं कोई इनके सामने कह करके कोई तारीफ नहीं कर रहा, एक वास्तविकता से अवगत कराना चाह रहा हूँ। आज भारत में अगर समाज सेवा के कार्य हो रहे हैं तो जैन समाज का बहुत बड़ा रोल है। आप कहीं भी देख लें, तमाम अभी गुजरात में एक हमारे प्रमोद जी को बताना चाहता हूँ, 250 कन्याओं का विवाह, एक जैन साहब वहां एक हीरे के व्यापारी, उन्होंने करोड़ों रुपये में बच्चियों की शादी में लगाए और ऐसी शादी की जैसे अपनी लड़की की शादी हो रही हो, और उनके लिए 8-8 लाख रुपए की एफडी भी कराई। ऐसे जैन समाज में महारथी समाज के कर्णधारों को मैं कहना चाहता हूँ, परमपिता परमेश्वर इनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, ताकि हम हमारे अंदर भी जो जज्बा है समाज का सेवा करने का उसमें हमको बल मिले, क्योंकि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। आज आप देख रहे हैं और हमारे अतिथि जो भी आए हैं, अशोक सिंघाल जी, रेखा श्रीमाल जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजाकर।